घरों की छत पर पानी की टंकी आपने काफी देखी होगी। इन टंकियों में 1000 लीटर पानी स्टोर किया जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे घड़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें करीब 2000 लीटर पानी जमा किया जा सकता है। गर्मियों का सीजन आ चुका है। समय के साथ तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोग गर्मियों को मात देने के कई तरीके अपनाने लगे हैं। अगर घर के अंदर है तो पंखे, कूलर और यहाँ तक कि एयर कंडीशनर के सहारे गर्मी से बचा जा सकता है। बात अगर ठंडे पानी की करें तो पहले के समय में गर्मियों में कुएं का ठंडा पानी लोगों को सुकून देता था। इसके बाद आई मिट्टी से बने घड़ों की बारी। अब तो फ्रीज के जरिए लोग गर्मी में भी बर्फीले पानी का मजा लेते हैं। लेकिन जो बात मिट्टी के घड़ों में है वो फ्रीज के बोतल के पानी में कहाँ। आपने आज तक घरों या सड़कों के किनारे लगे प्याओं में घड़े देखे होंगे। कुछ घड़े मटके जैसे होते हैं तो कुछ सुराही जैसे, कोई छोटे होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं। कुछ घड़ों में तो अब नल भी लगे आते हैं ताकि पानी निकालने में आसानी हो। लेकिन आज हम आपको जिस घड़े के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा घड़ा है। जी हाँ, इस घड़े का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2000 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। लेकिन ये घड़ा आज के दौर का नहीं है, ये घड़े अब से हजारों साल पहले मौजूद थे। खुदाई के दौरान इन्हें बाहर निकाला गया। लोग इतने बड़े घड़े को देखकर हैरान हो गए। एक घड़े का आकार आम घरों में लगी पानी के टंकी के बराबर था। आपको लग रहा होगा कि टैंकर के साइज के घड़े हो ही नहीं सकते, लेकिन हम मजाक नहीं कर रहे हैं। इतना बड़ा घड़ा आज भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में बने एक म्यूजियम में रखा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा घड़ा कहा जाता है। इसके अंदर 2000 लीटर तक पानी भरा जा सकता है। यह आज के दौर में नहीं बना है। इतिहासकारों के मुताबिक ये घड़ा करीब 2000 साल पुराना है। उस समय मौजूद कुषाण वंश में ऐसे घड़ों में पानी स्टोर किया जाता था ताकि वो ठंडा रहे। कुषाण वंश के ये घड़े करीब 40 साल पहले खुदाई में निकले थे। जब इनकी उम्र पर शोध किया गया तो पता चला कि ये 78 ईस्वी से 230 ईस्वी के बीच के हैं। जिस एरिया में ये घड़े मिले उसके पास से गंगा नदी गुजरती थी, उसी का पानी इन घड़ों में स्टोर किया जाता था। खुदाई में कुषाण वंश के दौरान इस्तेमाल कई तरह के बर्तन भी मिले थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान इन विशाल घड़ों ने खींचा था। इन घड़ों को संभाल कर कन्नौज में बने म्यूजियम में रखा गया है। जो भी यहाँ इन घड़ों को देखता है हैरान रह जाता है।